सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल इट्स सुमन ब्लॉग। सो कैसे हैं आप? होप सो अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बट वो है पेट्स के लिए है। आई नो कि आप मेरे चैनल पे और भी तरह की वीडियोस देखते हैं, बट ये भी हेल्थ इशू है एंड ये पेट्स के लिए है। तो यहाँ पे बात करने वाली हूँ मैं डीवॉर्मिंग के बारे में। डीवॉर्मिंग डैट मीन्स कि वॉर्म को हटाने का प्रोसेस जो होता है, वॉर्म को ख़त्म करने का प्रोसेस होता है जो पेट्स में आई मीन डॉग्स में, कैट्स में, गुइना पिग में, आप जो भी पेट्स पालते हैं, मैं छोटे पेट्स की बात कर रही हूँ, बड़े पेट्स में भी होता है। एंड सॉरी, मुझे थोड़ी सी सर्दी है। तो पेट्स में डीवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी होता है। पहले बात करते हैं कि डीवॉर्मिंग होता क्या है। अरे पापा, सो डीवॉर्मिंग एक्चुअली पेट्स के अंदर ना वॉर्म लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। अब वो कैसे लगते हैं बताते हैं कि जैसे हम अपने पेट्स को कुछ खाने के लिए देते हैं, जो भी उनकी डाइट होती है, तो वो डाइट कुछ डाइट होती है कि आप उनको धो नहीं सकते हो। ओके, जो ग्रासेस वगैरह होती है, जो पैक होके आती है, जो उनके ड्राई ग्रासेस होती है, उनको आप धो नहीं सकते। एंड जो भी आप वेजिटेबल्स देते हो, चाहे आप उसको कितना भी धो लो, अब उसको हम डिटॉल के पानी में तो नहीं डाल सकते इनके खानों को। तो आप उनके खानों को चाहे आप कितना भी वॉश कर लो, उसमें अगर बैक्टीरिया लगा है, कहीं कोई कीटाणु है, तो वो इनके स्टोमक में जाता है। एंड इनके स्टोमक तो जाता है, प्लस इनके बॉडी के ऊपर भी वॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आप हम बात कर रहे हैं कि जो इन बच्चों के पेट के अंदर वॉर्म चलता है, तो वही होता है उनकी डीवॉर्मिंग की प्रोसेस होती है। तो डीवॉर्मिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेट्स के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, तो उसे हटाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं डीवॉर्मिंग। ओके, तो डीवॉर्मिंग आपको कब करना है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने दोनों पेट्स को डीवॉर्म किया है। आई नो कि बहुत से लोग को नहीं पता है कि डीवॉर्मिंग क्या होती है। एंड कुछ दिन पहले मुझे पता चला यहाँ पे कि इंडिया में रैबिट्स के ट्रीटमेंट ना के बराबर हैं। यहाँ पे वेट जो है उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बिकॉज उनके पास सफिशेंट नॉलेज ही नहीं होती है। ऐसा मुझे खुद डॉक्टर ने कहा है कि इंडिया में रैबिट्स को तो पेट्स माना ही नहीं जाता है। जितनी अच्छी ट्रीटमेंट फॉरेन कंट्री में होती है ना, और जितनी अच्छी देखभाल वहाँ होती है, शायद इतना अच्छा यहाँ नहीं होता। ऐसे खुद डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है। तो डीवॉर्मिंग इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके पेट में जो कीड़े हो जाते हैं। तो डीवॉर्मिंग की जो प्रोसेस है, मैं आपको पहले सिर्फ दिखा देती हूँ कि डीवॉर्मिंग के लिए मुझे जो रिकमेंड किया गया है, फेनबेंडाजोल ओरल सस्पेंशन 100 mg का है, ठीक है। तो फेंटल नाम है, 30 ml का आता है फेनबेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। तो ये बनीस के लिए रिकमेंड किया गया है। इसको आपको कब देना है, एज के अकॉर्डिंग होता है। मेरे बनीस हैं 3.5 साल के, तो ऊपर हैं, आई थिंक 4 साल के हैं प्रॉक्स। तो इन्हें 2 ml से कम देने के लिए कहा गया। वैसे 2 ml बोला है ट्राई करने के, क्योंकि कुछ तो नीचे गिर जाता है। तो 2 ml के अंदर 1.8 समथिंग इनके पेट में जाना चाहिए। एंड इसके लिए डीवॉर्मिंग के लिए टैबलेट्स भी आती है। तो और जो टैबलेट्स अगर आप कोई चीज़ में देना चाहो दे सकते हो, एंड सीरप भी, तो सीरप भी आप दे सकते हो। डीवॉर्मिंग आपको हर जानवर करना चाहिए जिसे आप पालते हो, कैट्स का, डॉग्स का, सबका होता है डीवॉर्मिंग। इसे गर्मी लग रही होगी बाबू। तो इसको हमने जो डिवॉर्म किया है वो सीरिंज से किया है, जो इंजेक्शन की सीरिंज आती है ना, उसमें से वो जो नीडल पॉइंट उसको हटा देना है। उसमें हमें फिर इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा दूँ, तो ये कुछ, अरे भैया, ये कुछ ऐसे फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म है ये। इससे पहले एक टैबलेट फॉर्म भी आई थी, बट वो मैंने नहीं दिया था, क्योंकि इसको मैं टैबलेट कैसे खिलाऊंगा, छोटा सा पार्ट दिया पड़ता है इनको। एंड आफ्टर 15 डेज बाद मुझे फिर से इनको डीवॉर्मिंग करना है। उसके बाद आप इनको 3 महीने के बाद डीवॉर्म कीजिए, क्योंकि जब भी कुछ खाना खाते हैं ना, ये जब इनको खाना होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कीड़े आके टच कर मतलब लग जाते हैं, तो ये इसलिए डीवॉर्मिंग की जाती है। एंड मैंने फ़ैन बंद किया तो उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। हाँ, साइकिल चल रही है, इसकी साइकिल चल रही है।
और ये जो हुआ है मेरी बनी को, तो ये एक तरह का इन्फेक्शन है। इसका भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड डॉक्टर ने तो एडवाइस कुछ ज़्यादा ही किया है, बट वो सोच के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि इसको सर्जरी की नीड बताई गई है एंड इसके यहाँ पे नस भी है। इसका दिल बहुत धक धक कर रहा है, तो मैं इसको जाने देती हूँ, आप जाओ। सो फ्रेंड्स, ये है फेनबेंडाजोल। तो आपको ये रिकमेंड भी डॉक्टर करते हैं, अदरवाइज आप वेट के पास चले जाइए, जो भी अगर वो आपको डिवॉर्मिंग का सिरप दे या टैबलेट दे वो आप अपने बनीस को दीजिए, ठीक है। और डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि रैबिट से रिलेटेड मैं और भी कुछ मेडिसिन या फिर और भी कुछ केस के अकॉर्डिंग मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँ तो आप मुझे ये बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड एज बहुत ध्यान रखना है, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, बट डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए जो भी आप पेट्स पालते हैं, बिकॉज उनकी अगर एक लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज़ों के साथ। एक्चुअली मुझे फीवर भी है बट मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो मिलते हो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज़ों के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सो टाटा एंड बाय बाय।